सही सवाल आपने अभी पूछा है, क्योंकि बिग एफएम से इंस्टेंटली क्या होता है, पूरी जनता ऑन एयर एकदम से सुन लेती है, तो ये तो और बड़े पैमाने पे हुआ एक्चुअली। नॉर्मली लोग पार्टीज रखते हैं, तो रखेंगे हम भी आगे जाके, बट आई थिंक म्यूजिक इज मेंट फॉर अ म्यूजिक चैनल, इज मेंट फॉर अ म्यूजिक स्टेशन, एंड व्हाट बेटर देन बिग एफएम टू यू नो बी सो सपोर्टिव एंड सो काइंड फॉर अस टू गो देयर एंड शोकेस द म्यूजिक ऑफ 3G टू द ऑडियंस डायरेक्टली। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, इसके लिए मैं मिथुन को थैंक्स बोलना चाहूँगी, बिकॉज मिथुन ने मुझे बहुत इंकरेज किया। आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ मिथुन म्यूजिक, म्यूजिक का बहुत शौक है, आई लव सिंगिंग। अभी पता नहीं आज मुझे सर्दी बहुत है एक्चुअली में सुबह से मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ बट और मैं डर रहा था यहाँ पे मिथुन के साथ गाने में, बट हालांकि लोगों ने वो सुना नहीं, क्योंकि मुकेश खानदान में हर किसी की नेजल आवाज तो होती है। ये आज का नहीं है, बहुत पुराने जमाने से ही है ये ट्रेंड। पहले आप अगर आप नोटिस किए होते तो हर कोई एक्टर, पहले एक्टर को सिंगिंग ऑडिशन देनी पड़ती, अगर वो सिंगिंग ऑडिशन में फेल होता तो वो एक्टर नहीं बन पाता। बहुत हौसला लगता है एक प्रोफेशनल स्टूडियो की जाके माइक के पीछे जब खड़े होते हैं ना, तो एक एक सांस सुनाई देती है म्यूजिक डायरेक्टर को। ऐसे माहौल में गाना हम सबके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप एक माइक के पीछे खड़े होते हैं तो एक एक चीज नोटिस में आती है। तो जब मैंने उनको बुलाया भी तो उसी दिन अपना वो सारा काम छोड़कर आए, और एक अच्छी बात यह है कि जब वो गा भी रहे थे तो उनके फ्लॉज मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, खुद ही अपने फ्लॉज को वो नोटिस कर रही थी और मुझे कह रही थी कि मिथुन ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। बात यही है कि नील को तो इतने मौके मिल चुके हैं, मुझे एक चांस चाहिए था जो मिथुन ने मुझे दिया।